हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी सर्च। पिछले बार का जो वीडियो था वो एरे पे एक वन शॉट वीडियो था, जिसमें एरेज का बहुत सारा पार्ट को हम क्लियर किए थे, जिसमें लीनियर सर्च भी आ चुका है। तो अब जो हम लोग का थोड़ा सा पार्ट बाकी है वो है बाइनरी सर्च और एरेज के बारे में ही थोड़ा बहुत कुछ। तो चलो बाइनरी सर्च को स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी सर्च, पहला बात, सर्चिंग है क्या? तो देखो, सर्च हम पिछले बार बता चुके हैं लीनियर सर्च के मेथड से। तो सर्चिंग क्या है, ऑलरेडी हो चुका है, बट एक रिवीजन के तौर पे, जब हम लोग कॉन्टैक्ट्स ऐप में एक नाम एंटर करते हैं, ठीक है, पहले तो हम लोग बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी सेव कर चुके होते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ एंटर कर चुके होते हैं कॉन्टैक्ट्स ऐप में ऑलरेडी, और उसके बाद एक नया एंट्री देते हैं सर्च करते समय कि इस आदमी का कॉन्टैक्ट अपने पास है कि नहीं। और फिर हम लोग का कॉन्टैक्ट्स ऐप क्या करता है कि जितना भी ऑलरेडी सेव्ड है उससे देखता है कि क्या जो अभी नया नाम एंटर किया यूज़र, ये क्या ऑलरेडी प्रेजेंट था, और अगर प्रेजेंट था तो हम लोग को दे देता है, हाँ ये तो है अपने पास, और नहीं तो फिर वो बोलता है कि नहीं ये तो नहीं है मेरे पास, क्या करें, आप सेव ही नहीं किए हैं। तो यही होता है सर्च। लेकिन तुम कॉन्टैक्ट्स ऐप में देखे होगे कि जो हम लोग का कॉन्टैक्ट्स रहता है वो सारा ऑर्डर में अरेंज रहता है, मतलब ABC असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहता है। तो इसको अरेंज क्यों किया जाता है? अरेंज करने से एक तो अच्छा भी लगता है, और दूसरा बात ये है कि बाइनरी सर्च जो है ना, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप डेटा को सॉर्ट नहीं करेंगे ना, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे, तो आप बाइनरी सर्च टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च टेक्निक को आखिर यूज़ ही क्यों करना है? लीनियर सर्च में तो आपको नहीं करना पड़ता, सॉर्ट नहीं करना पड़ता। लीनियर सर्च तो किसी भी डेटा पे काम कर जाता है, चाहे उसको असेंडिंग में डिसेंडिंग में किया हुआ हो या रैंडम बस डेटा हो, है ना, कैसा भी नंबर्स हो, कैसा भी नाम हो, ABCD कोई अरेंजमेंट नहीं हो, तो भी आपका लीनियर सर्च काम कर जाता है। बट लीनियर सर्च जो है ना, वो काफ़ी टाइम टेकिंग है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बहुत जल्दी काम करता है एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। लेकिन बाइनरी सर्च का कंडीशन क्या है कि जो डेटा है उसको अरेंज करके रखिए, सॉर्ट करके रखिए, असेंडिंग में डिसेंडिंग में किसी में भी रखिए, लेकिन सॉर्टेड होना चाहिए। तो अब आते हैं हम लोग बाइनरी सर्च का जो चीज़ है, जो लॉजिक है उस पर, कि बाइनरी सर्च आखिर काम कैसे करता है। तो अब हम करने क्या वाले हैं कि देखो, ये एरे में हम 10 एलिमेंट एंटर करना है, ठीक है। तो 10 एलिमेंट, तो इंडेक्स नंबर तो पता ही है ना, A80 पे क्या है, A80 पे हम लोग 0 रखे हैं, A83 पे हम लोग का जो नंबर स्टोर्ड है वो 3 है, A84 पे हम लोग का जो नंबर स्टोर हम लोग किए हैं वो है 5, A86 पे हम लोग जो नंबर स्टोर किए हैं वो है 11। मतलब एक अरे है और ये उसका इंडेक्स नंबर्स है, और उस पर जो जो भी नंबर हम लोग स्टोर करना चाहते हैं उसका, चलो मार्क्स मान लेते हैं, वो है तुम्हारा ये सब नंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद कंप्यूटर बाइनरी सर्च में क्या करता है ना, कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक इन सभी नंबर्स में से मेरा एक सर्च एलिमेंट, मान लो सर्च एलिमेंट जो यूज़र एंटर किया 7 किया, और ऑलरेडी मेरे पास ये 10 नंबर्स, तो अब ये जो सर्च एलिमेंट 7 है वो तो एक्चुअली में देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन बात ये है कि ये सर्च एलिमेंट इन 10ों में से कहीं पे भी हो सकता है। ये तो ह्यूमन माइंड से हम देखे, विजन था मेरे पास, हम देख लिए कि हाँ 7 तो वहाँ प्रेजेंट है, और कहीं ना कहीं मेरा न्यूरॉन्स जो बहुत काम किया हुआ उसका हमको नहीं पता है कि मेरा माइंड कैसे वर्क कर रहा है। बट जो इस माइंड को बनाए होंगे, है ना, भगवान जब बनाए होंगे तो उसमें जो है ना न्यूरॉन्स का सेटिंग किए होंगे, या फिर जैसे हम लोग अडाप्ट किए हैं उस हिसाब से वो सब काम कर रहा है। तो अब अपने को कंप्यूटर को वो इंटेलिजेंस देना है कहीं ना कहीं, कि ये 10 नंबर्स में से आपको अगर 7 को सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करोगे। तो एक अच्छा टेक्निक अभी हम लोग बनाने वाले हैं बाइनरी सर्च का। इसमें काम क्या करते हैं ना, क्योंकि सॉर्टेड है तो हम लोग सबसे पहले बीचों बीच वाला एलिमेंट पे जाते हैं। तो बीचों बीच वाला एलिमेंट पे जाने का ये फॉर्मूला है कि जैसे ये तो हम लोग का स्टार्ट पोजिशन नंबर हो गया, स्टार्ट पोजिशन नंबर हो गया 0, एंड पोजिशन नंबर हो गया 9। तो एकदम बीचों बीच 0 और 9 के क्या आएगा, तो ये दोनों ही आएगा, 4 और 5 दोनों ही आएगा। लेकिन बात ये है कि जब हम लोग 0 प्लस 9 बाय 2 करते हैं और इसका इंटीजर टाइप का वैल्यू लेंगे ना, तो पोजीशन नंबर आएगा अपना 4, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन नंबर हम लोग का मिड बनता है, ठीक है। अगर इवन नंबर होता तब तो मिड बनाने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब 4.5 आ जाता है ना इसका वैल्यू, तो 4 हम लोग का जो होता है वो मिड होता है, क्योंकि इंटीजर फंक्शन, इंटीजर ऐसे ही काम करता है। तो एक बात बताओ, हम लोग का एकदम मिड पे कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है? तो वो है 5। और 5 जो है, क्या वो 7 से बड़ा है या छोटा है? जो हम लोग को सर्च करना है 7, उससे ये जो 5 है वो बड़ा है कि छोटा है? 5 तो छोटा है, और क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में है,
तो 100% बात है कि जो 7 है वो इस 5 के बाद वाले ही एलिमेंट्स में कहीं मिलेगा, इधर कहीं में मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर को इतना तो पता चल गया ना कि 5 यहाँ मिला है और डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो 7 है वो 5 के बाद इधर ही किधर में हमको कहीं मिल सकता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, अब अपना जो सर्च का दायरा है ना, पहले तो यहाँ से यहाँ तक उसको सर्च करना था, अब उसको पता है कि 5 के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सर्च करना है। ठीक है, तो अब उसका स्टार्ट वैल्यू क्या बन जाता है, मिड से जस्ट एक ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से उसका स्टार्ट वैल्यू ये हो जाता है, इस पोजिशन पे वो स्टार्ट करेगा, अगले बार जब सर्च करना स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग पोजिशन नंबर ये हो जाएगा उसका, और जो लास्ट होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लास्ट तो यहीं रहेगा क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में हमको 7 मिल सकता है। अब मिड क्या होगा, तो मिड तुम्हारा फॉर्मूला है कि मिड का वैल्यू होगा स्टार्ट का पोजिशन, तो स्टार्ट का इंडेक्स नंबर क्या है, 5, पोजिशन नंबर 5, और लास्ट का पोजिशन नंबर अब क्या है, तो 9, तो 5 प्लस 9 बाई 2, तो अब मिड का वैल्यू यहाँ पे होगा 5 प्लस 9 बाई 2, 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, जिसका वैल्यू एक्चुअली हो जाएगा 14 बाई 2, जो कि हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब हम लोग का मिड का जो वैल्यू है वो ये 7 पोजिशन नंबर पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का मिड। ठीक है, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा कि सर्च करेगा कि ये जो मिड पे जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो है 17, और हमको सर्च क्या करना है, हमको सर्च करना है 7, तो 17 तो बड़ा है 7 से, और क्योंकि ये एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में है तो आगे तो जो भी एलिमेंट है वो बड़ा ही मिलेगा, मतलब एक्चुअली में अगर हमको 7 ढूंढना है ना, तो 7 हमको 17 से पीछे ही मिलेगा, इधर से इधर में ही मिलेगा। ठीक है, और अपने को पता है कि अपना स्टार्ट, हमको इतना तो ऑलरेडी पता था कि अब हमको स्टार्ट और लास्ट मेरा ये हो चुका था, मतलब मेरा सर्च का दायरा इससे पहले घट के इतना हो चुका था, हमको 200 नंबर नहीं सर्च करना था, और अब हम जब 17 से कंपेयर कर रहे हैं तो हमको समझ आ रहा है कि मेरा सर्च का जो दायरा होना चाहिए वो इतना ही तक जाना चाहिए, क्योंकि 17 तो है नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ही जो मेरा सर्च एलिमेंट है वो हो सकता है। तो अब मेरा नया स्टार्ट पोजिशन, तो इस बार स्टार्ट पोजिशन में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट पोजीशन है ना, वो कंप्यूटर समझ गया कि अब मेरा सर्च का दायरा इधर होना चाहिए, 17 से पहले तक में, तो उसका लास्ट पोजीशन ये हो जाएगा, ये वाला पोजीशन है ना, 6 पोजीशन उसका लास्ट हो जाएगा, स्टार्ट पोजीशन उसका 5 हो जाएगा। और मिड, कंप्यूटर का फॉर्मूला क्या है निकालने का, मिड तो मिड इज इक्वल टू 5 प्लस 6 बाय 2, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा 11 बाय 2, जो कि हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब कि इस बार हम लोग का जो पोजीशन नंबर 5 है वही मिड भी होगा, तो उसी को हम लोग कर देते हैं। अच्छा, पोजीशन नंबर 5 ही हम लोग का मिड होगा, मिड यहाँ लिखते हैं मिड। तो ये तुमको समझ आ गया कि यही मिड होगा, और इस बार मिड से जब कंपेयर करेगा कि मिड का वैल्यू, मतलब 7 का वैल्यू 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है, तो भाई ना 7 से ज़्यादा है ना 7 से कम है, ये तो 7 ही है, जैसे ही देखेगा कि ये 7 ही है ना, तो वो जान जाएगा कि अरे सर्च एलिमेंट तुमको मिल गया, सर्च एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो टेक्निक समझ आ रहा है कि इतना बड़ा अपने पास था सर्च करने का, हमको जो रीजन मिला था वो इतना था, लेकिन हम क्या किए, जस्ट मिड वाला को देखे, फिर सोचे कि इसके जो सर्च एलिमेंट है वो इस एरिया में आएगा या फिर इस एरिया में आएगा, मतलब आधा टुकड़ा में तोड़ दिए, और सोचे इस हिस्से में आएगा कि उस हिस्से में आएगा, और एक तो ये भी था कि कहीं यहीं तो नहीं मौजूद है, सबसे पहले तो देखा कि यहीं मौजूद तो नहीं है, और यहाँ नहीं मौजूद है तो इस तरफ मौजूद होगा या इस तरफ मौजूद होगा, और फिर अकॉर्डिंगली अपना स्टार्ट और एंड पोजीशन को, स्टार्ट और लास्ट वाले पोजीशन को वो चेंज करके अपना जो दायरा है ना उसको आधा आधा तोड़ के, आधा आधा रीजन में सर्च करते जाता है, उसको समझ आता है कि इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए, इधर, उस टाइप से ये बाइनरी सर्च काम करता है। तो वही चीज़ को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोग्रामेटिकली लिखने वाले हैं। तो प्रोग्राम क्या है बाइनरी सर्च में, कि हम लोग को 10 नंबर एंटर करना है और एक सर्च एलिमेंट फिर यूज़र एंटर करेगा, 10 एलिमेंट भी पहले यूज़र ही एंटर करेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन एंटर नंबर यूज कोड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, तो 10 सब्जेक्ट का नंबर यूज़र पहले एंटर करेगा, तो इस फॉर लूप के थ्रू हम लोग एंट्री ले ले रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन एंटर सर्च एलिमेंट, और हम लोग को सर्च जिस एलिमेंट को करना है उसका एंट्री यूज़र से ले ले रहे हैं इस फाइंड में। ठीक है, और जो हम लोग को नंबर्स लेना था यूज़र से उसको नंबर एट आई में ले रहे हैं, मतलब नंबर नाम का एक एरे है उसमें सारा नंबर्स, जो 10 नंबर्स है वो नंबर वाले एरे में स्टोर होगा, और जो यूज़र को सर्च करना है वो फाइंड में स्टोर होगा।
और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं इंट सक्सेस इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बिना भी काम हो सकता था, लेकिन सक्सेस इक्वल टू जीरो ये ले लेने से ना थोड़ा काम आसान हो जाएगा। सक्सेस का वैल्यू हम जीरो रख रखे हैं। अगर हमको जैसे एलिमेंट मिल गया ना, सर्च हमको मिल गया, एलिमेंट सर्च वाला मिल गया, तो हम क्या करेंगे, सक्सेस का वैल्यू कर देंगे वन। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इंट फर्स्ट इक्वल टू जीरो, मतलब मतलब जो फर्स्ट पोजिशन है मेरा वो क्या होगा, जीरो होगा, और जो लास्ट पोजिशन है मेरा वो नाइन होगा। ठीक है, नाइन पोजिशन, क्योंकि 10 एलिमेंट यूजर एंटर कर रहा है, लेकिन लास्ट पोजिशन तो नाइन ही होगा ना, क्योंकि जीरो से काउंटिंग चल रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ देख लो, यहाँ 10 नंबर्स हो गए हैं, काउंटिंग अगर इंडेक्स नंबर जीरो से काम करता है, इसलिए 10वां एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा वो नाइन होगा। फिर हम एक ले रहे हैं इंट मिड। ठीक है, तो ये सब हम लिए हैं, क्यों लिए हैं, फर्स्ट क्यों लिए, लास्ट जानते ही हो क्यों लिए हैं। उसके बाद चालू हो रहा है मेरा लॉजिक कि व्हाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट, मतलब अगर फर्स्ट का जो वैल्यू है वो छोटा है लास्ट से, इतना तो होना ही चाहिए ना, फर्स्ट फर्स्ट तुम्हारा इधर साइड होना चाहिए और लास्ट तुम्हारा इधर साइड होना चाहिए। अगर उल्टा हो गया तब तो मतलब समझ जाओ कि अपने को सर्च एलिमेंट मिला ही नहीं है। तो जब तक ऐसा केस रहेगा तभी तक ये काम करेगा। अगर सर्च एलिमेंट मौजूद ही नहीं होगा ना, तब ये वाइल कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा और हम लोग का लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस लूप के बाहर। तो अब देखो मिड का वैल्यू क्या था, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय टू कर देते हैं हम लोग। तुमको यहाँ दिखाई है फर्स्ट मिड का वैल्यू हम लोग कैसे कर रहे थे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय टू। उसके बाद क्या करते हैं कि इफ़ नंबर एट मिड इक्वल टू, जो मिड वाला पोजिशन पे जो हम लोग को नंबर मिला है ना, जो नंबर है उसमें मौजूद है मिड पोजिशन पे, वो अगर फाइंड के बराबर है, मतलब जो यूज़र सर्च कर रहा है उसी के बराबर निकल जा रहा है, एक सर्च एलिमेंट है और सर्च एलिमेंट अगर जो एकदम बीचों बीच एलिमेंट प्रेजेंट है उसके एकदम बराबर है, तो क्या करना है, अगर ये कंडीशन सच होता है तो आप इस वाले गेट में घुसिए और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन कर दीजिए, मतलब डिस्प्ले कर दीजिए कि मिल गया भाई नंबर, और किस इंडेक्स नंबर में मिला है, तो उस इंडेक्स नंबर का वैल्यू हो जाएगा मिड। ठीक है, अगर तुमको बोला है प्रिंट करना है इंडेक्स नंबर तो तुम मिड प्रिंट करना, अगर तुमको बोला है कि उसका लोकेशन प्रिंट करना है तो तुम मिड प्लस वन प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब लोकेशन तो वन से चालू होता है, तो उस हिसाब से जैसे भी तुमको समझ आए वैसे कर देना, लेकिन अगर इंडेक्स नंबर बोले तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, जो मिड है वही प्रिंट कर देना। और फिर हम लोग इफ़ अगर ये कंडीशन सच हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो प्रिंट कर देते हैं कि भाई मिल गया अपने को, सक्सेस का वैल्यू वन कर देते हैं, सक्सेस है इसीलिए कि अगर उसका वैल्यू वन हो गया इसका मतलब अपने को एलिमेंट मिल चुका है। और उसके बाद हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्या है, इस लूप, ये जो वाइल लूप है ना, जो यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो कोई भी लूप का जो बाहुबली होता है, मतलब लूप का गेट जो है वो तो दादागिरी करता है ना, लूप का बंद होने वाला गेट, तुमको बता चुके हैं कि लूप का बंद होने वाला गेट बोलता है कि वापस से प्रोग्राम में, मतलब ये नीचे नहीं जाने देता ना प्रोग्राम कंट्रोल को, जब आप यहाँ हो गए तो बोलेगा कि नहीं वापस से इस कंडीशन को चेक करो, और जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तभी आप इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट वो है ना, जो आपको जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट आ गया लूप के अंदर कहीं भी, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं पर भी अगर एक बार ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, जैसे कि इस पोजिशन नंबर पर एग्जीक्यूट हो गया, तो ये इस लूप को पूरी तरीके से फांदते हुए इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे तुम्हारा आ जाएगा। तो ब्रेक को जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ब्रेक को तुम तोड़ के, गेट तोड़ के लूप का बाहर निकलने वाला आदमी समझ सकते हो, ब्रेक से है ना तोड़ना, गेट को तोड़ना। तो अभी तक मेरे वीडियोस देखे हुए तो ये बात तो जानते ही हो गए, कई बार समझा चुके हैं। तो ये इफ कंडीशन हो गया। उसके बाद फिर है एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ कंडीशन क्या है कि अगर नंबर एट मिड इज लेस देन फाइंड, ठीक है, तो अगर नंबर एट मिड जो है वो छोटा है फाइंड से, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, है ना, अगर छोटा है तो हम लोग क्या किए थे, जो स्टार्ट का वैल्यू था उसको एक बढ़ा दिए थे हम लोग, जो फर्स्ट का वैल्यू था या स्टार्ट का वैल्यू था उसको एक बढ़ा दिए थे, तो फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर देंगे हम लोग। और अगर ऐसा होगा कि नंबर एट मिड जो बीचों बीच नंबर पाया गया वो बड़ा है फाइंड से, तब हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट इज इक्वल टू मिड माइनस वन कर देंगे, जैसा कि हम लोग इस केस में किए थे। ठीक है, कि हम लोग को मिड पे नंबर एक बड़ा मिल गया था 17, और हम लोग को पता था इधर होगा, तो हम लोग लास्ट को मिड माइनस वन कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है।
तो तीन ही तो कंडीशन हो सकता है, चाहे तो बराबर हो सकता है, चाहे बड़ा हो सकता है फाइंड, चाहे फाइंड छोटा हो सकता है, और तीनों केस हम लोग कर दिए। और इस तरीके से जब तक वाइल लूप रन करेगा, तब तो हम लोग को अगर एलिमेंट मिलना होगा तो मिल जाएगा और सक्सेस का वैल्यू हो जाएगा 1। और बाय द वे, अगर ये वाइल लूप पूरी तरीके से रन करता गया और आखिरी में ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो उसके बाद जब ये लूप से निकलेगा मतलब कि उस केस में क्या होगा ना, कि तुम्हारा क्या होगा उस केस में, तुमको एलिमेंट मिला ही नहीं होगा। और एलिमेंट अगर तुमको सर्च एलिमेंट मिला ही नहीं होगा, तो कभी भी ये कंडीशन सच नहीं हुआ होगा और सक्सेस का वैल्यू कभी 1 नहीं हुआ होगा। और सक्सेस का वैल्यू 1 नहीं हुआ होगा तो सक्सेस का वैल्यू अभी तक वही होगा जो हम उसको इनिशियलाइज किए थे, इनिशियलाइज 0 से किए थे। तो इसलिए आखिरी में क्या कर रहे हैं कि अगर सक्सेस का वैल्यू 0 ही रह गया इस पूरे वाइल लूप में जाने के बाद, तो आप क्या कीजिए, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन कर दीजिए कि एलिमेंट नॉट फाउंड हुआ है, मतलब मिला ही नहीं। तो इसको हम लोग चलो कंपाइल कर देते हैं और उसके बाद इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो नंबर्स एंटर करना है अपने को, तो 77, 79। देखो, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ऑर्डर मैटर करता है। अगर बाइनरी सर्च है तो अपना ऑर्डर जो है वो बहुत मैटर करता है। ऑर्डर गलत मतलब काम ही नहीं करेगा ये। एंटर सर्च एलिमेंट, चलो 92 सर्च करते हैं। तो 92 देखो हम लोग का प्रेजेंट था इसलिए पाया गया, और किस पोजीशन नंबर पे पाया गया, पोजीशन नंबर 6 पे। तुम देख भी सकते हो ये 0 था, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6। 92 हम लोग के पोजीशन नंबर 6 पे पाया गया, सच बता रहा है, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो यही था बाइनरी सर्च का टेक्निक। और एक चीज़ है, हम लोग का जो एरे है उसका नाम है नंबर, ठीक है? तो लास्ट पोजीशन नंबर क्या होगा ना, नंबर 9 भी लिख सकते हो तुम, या फिर हम लोग का लेंथ कितना है एरे का, तो वो 10 होगा अपना पक्का, ठीक है? नंबर डॉट लेंथ। तो एरे का लेंथ निकालने के लिए ना तुम्हारे पास ये चीज़ रहता है, जो भी एरे का नाम हम लोग दिए थे नंबर, ठीक है? और नंबर डॉट लेंथ पे एरे का लेंथ आ गया होगा, ये एक एरे का फंक्शन है जो लेंथ बताता है। और एक्चुअली हम लोग का लास्ट पोजिशन नंबर क्या होगा, नंबर डॉट लेंथ -1, ठीक है? तो ये फंक्शन को याद रखना, ये ICSE के सिलेबस में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि आपको पता होना चाहिए लेंथ फंक्शन, एरे का लेंथ निकालने का जो फंक्शन होता है। देखो, स्ट्रिंग का जो लेंथ निकालने का फंक्शन था उसमें लेंथ के बाद क्या रहता था, एक ऐसे ब्रैकेट खोल के बंद किया रहता था, लेकिन एरे में क्या है कि आपको ब्रैकेट खोल बंद कुछ नहीं करना है, लेंथ डॉट लेंथ बस कर देना है और काम खत्म आपका। तो ये देखो, ये कंपाइल हो गया, नो सिंटैक्स एरर। और देखना इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग करते हैं फिर से इसको रन करेंगे, और इस बार क्या करेंगे ना, सॉर्टेड एलिमेंट नहीं देंगे, मतलब रैंडमली एलिमेंट देंगे। तो इसमें चांस बहुत कम रहेगा तुम्हारा कि तुमको मिल जाए तुम्हारा एलिमेंट। अब एंटर बोल रहा है सर्च एलिमेंट ना, तो चलो हम 96 एंटर कर देते हैं। 96 देखो, सबसे पहला पोजीशन नंबर पे 96 ऑलरेडी मौजूद था बट फाउंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम इसको सॉर्टेड वे में दिए ही नहीं। तो बाइनरी सर्च तब नहीं काम करेगा अगर आप डेटा को, है ना, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दीजिएगा, तब तो बाइनरी सर्च काम करेगा। और असेंडिंग के लिए अलग प्रोग्राम होता है और डिसेंडिंग के लिए अलग प्रोग्राम होता है बाइनरी सर्च का। तो ये जो प्रोग्राम था वो असेंडिंग के लिए था, और डिसेंडिंग के लिए बाइनरी सर्च का प्रोग्राम में तुमको इसी प्रोग्राम को डिट्टो लिख देना, बस एक काम करना, ये साइन को ऐसे कर देना, ठीक है, और ये वाला साइन को ऐसे कर देना। तो अब ये जो प्रोग्राम हो गया ना, वो हो गया डिसेंडिंग वाले के लिए सर्च। मतलब असेंडिंग बोलेगा तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या करना था, मतलब जस्ट इसका उल्टा करना था। ये मोर देन, ये क्या है, मोर देन को आपको लेस देन कर देना था और लेस देन को आपको मोर देन कर देना था। तो ये चीज़ समझ जाना, है ना, हम असेंडिंग का समझाएं, तुम डिसेंडिंग का अपने से ड्राई रन सोच सकते हो और समझ सकते हो। और यही था बाइनरी सर्च। लेकिन एक और चीज़, अब तुम ये तो जान गए कि अगर इंटीजर है तो काम कैसे करेगा, मतलब ये जो हम लोग नंबर्स एंटर कर रहे थे वो इंटीजर्स था, अगर नंबर एंटर करेंगे वो डबल होगा तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। अगर फ्लोट वाले नंबर्स एंटर हो रहे हैं प्रोग्राम में तो भी लगभग प्रोग्राम सेम रहेगा, बस जो नंबर्स तुम एंटर कर रहे हो यहाँ पे, है ना, अगर मान लो फ्लोट वाला है तो
तुमको एफ एल ओ ए टी और यहाँ पे भी एफ एल ओ ए टी करना पड़ेगा। उसके अलावा तो कोई खास चेंज होने वाला नहीं है तुम्हारे प्रोग्राम में, ठीक है। बाकी तो पूरा का पूरा सेम रहेगा। जो एरे है बस, ये जो एरे का इनिशियलाइजेशन था वो तुमको कैसे करना पड़ेगा, फ्लोट से करना पड़ेगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग होता, ठीक है, अगर ये जो है वो स्ट्रिंग होता, मतलब जो यूज़र एंटर कर रहा है ना, जो सर्च एलिमेंट्स एंटर कर रहा है वो सारा स्ट्रिंग एंटर करता, और तुम्हारा फिर सर्च एलिमेंट भी ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही डालता, तो तुम्हारा ना यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ये इक्वल टू की जगह यूज़ होता इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। इक्वल टू की जगह तुम इक्वल्स यूज़ कर सकते हो सबसे अच्छा, है ना। इफ़ इक्वल्स, इफ़ नंबर एट नेम एट मिड डॉट इक्वल्स फाइंड, और यहाँ पे तुमको कंपेयर टू फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेम एट मिड डॉट कंपेयर टू फाइंड, हम कोशिश करेंगे, और फिर मोर देन ज़ीरो, और फिर यहाँ करना पड़ेगा नेम एट मिड डॉट कंपेयर टू फाइंड इज लेस देन ज़ीरो। तो ये सब तुमको करना पड़ेगा अगर बाय द वे तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो स्ट्रिंग्स के लिए बोलता है, मतलब नेम्स एंटर करने बोलता है। तो उसके लिए हम एक अलग सा प्रोग्राम कर देंगे बाइनरी सर्च स्ट्रिंग्स पे जब वर्क करेगा। ऐसे अभी तुम बाइनरी सर्च समझ गए होगे। और तुमको एक चीज़ बताना था कि एक प्रोग्राम दिखाना था तुमको। देखो ये सम वाला प्रोग्राम हम ऑलरेडी पिछले बार दिखा चुके हैं, लेकिन हाँ ये देखो, जब एरे का नाम था ए तो हम लोग क्या किए, ए डॉट लेंथ किए, है ना। जो हम लोग हमेशा लेस देन 10 करते हैं उसकी जगह तुम ये भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है ए डॉट लेंथ का यूज़ करना। इससे क्या है, ए डॉट लेंथ फंक्शन का तुमको आदत रहेगा। और प्लस एक और चीज़, अगर एरे हमको एंटर करना है ना, तो एक तरीका तो तुम ये देखे थे, ठीक है। एक तरीका तुम्हारा ये है कि हम इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 10 लिखे और फिर यूज़र से एंट्री लिए। और अगर अपने को प्रोग्राम में ही एंट्री डालना है ना, तो तुम ऐसे डाल सकते हो, इंट ए को लिखे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे करके, और फिर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट खोले, और जितना भी एलिमेंट्स है, मतलब ये कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 अगर एलिमेंट डालना है एरे के अंदर, तो ये 5 एलिमेंट ऐसे ही डाल सकते हो। और इससे समझ में भी आ जाता है कि एरे का जो लेंथ होगा वो ऑब्वियसली 5 होगा, है ना। तो उस केस में तुम्हारा ए डॉट लेंथ यहाँ पे सिमिलरली काम कर जा रहा है। तो ये हो गया, जैसे हम लोग इंट ए इक्वल टू 5 करते थे ना, उसी टाइप से एरे में या इंट बी इक्वल टू 6 इंट जो भी करते थे डायरेक्टली इनिशलाइज कर देते थे। तो एरे में वही काम करने के लिए तुमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है, इस टाइप का फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ता है। तो इसको याद रखना, ए डॉट लेंथ को याद रखना, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम जो है वो हो सकता है सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स में पूछा जाए। और बाकी एरेज का कुछ प्रोग्राम और स्ट्रिंग्स का प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। एरेज यहाँ पे हम यही समझते हैं कि एरेज कॉन्सेप्चुअली और प्रोग्रामेटिकली भी हम कंप्लीट कर दिए हैं इन दो वीडियोस में, जो पहला वीडियो आया था और ये दूसरा वीडियो आया। अब बाकी जो वीडियोस आएगा प्रोग्रामिंग ऑन एरेज पे, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस वीडियोस होगा, जैसे कि स्ट्रिंग्स पे भी हम लोग कुछ किए थे, और स्ट्रिंग्स पे भी उसी तरीके से हम लोग कुछ प्रैक्टिस वीडियोस और करेंगे। मतलब स्ट्रिंग के प्रोग्रामिंग पे वीडियो आएगा, एरे के प्रोग्रामिंग पे वीडियो आएगा, और अगला वीडियो जो आने वाला है वो होगा रैपर क्लास एंड उसके कॉन्सेप्ट्स पे, लाइब्रेरी क्लासेस पे, इनकैप्सुलेशन पे, इन सब चीज़ों पे आने वाला है। उसके बाद फिर एंड में हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।